একটা শহর দেখতে যাচ্ছি। দিস ইজ লাইক মিনি জাপান বিষয় বলে। খুব বেশি দূর না কিন্তু আধুনিকতায় ভরপুর। তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস করতে আমাদের সিটিটা দেখে ভালো লেগেছে। সবাই কেমন আছেন? মধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আর আজকে আমরা আবারও চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকে সত্যিকার অর্থে আমি একটা শহর দেখতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ভারতের একটা শহর, যেটা নিশ্চয়ই তুমি নাম শুনেছ, নয়ডা শহর সম্পর্কে। মিনি জাপান হিসাবে বলে। হ্যাঁ, তো কেন এটাকে মিনি জাপান হিসাবে বলা হয় এবং কি তার কারণ, আমরা সেটা ভিডিও দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো। তো চলো দেখে আসি ভিডিওটা আমরা। दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहर नोएडा को, जो इंडिया के मिनी जापान नाम से भी परिचित है। पिछले कई सालों में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे सैटेलाइट सिटी बन रहा है, जहां पे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और सभी तरह के सुविधा इन शहरों के अंदर मौजूद होगा, और नोएडा भी उनमें से एक है। ये शहर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है, और नोएडा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है आगे चल के नोएडा जैसे शहर इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर में मौजूद ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शहर के हर तरफ ऐसी हाई राइज स्काईलाइन बना हुआ है, जो लोगों को हैरान कर देती है कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है या फिर हमारे अपना देश इंडिया है। ये हमारा नया इंडिया है, और ये हमारे नया इंडिया का नया उभरता हुआ शहर है, जो हर एक एस्पेक्ट से डेवलप्ड है। आइए एक्सप्लोर करते हैं नोएडा सिटी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। नोएडा एक प्लान्ड सिटी है, जिसे प्रॉपर प्लानिंग करके शहर को बसाया गया था। यह शहर उत्तर प्रदेश के अंदर ओखला नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये दिल्ली एनसीआर रीजन का एक पार्ट है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट नोएडा, और एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन नाम है। 2011 की जनगणना सूची के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 6 लाख के ऊपर थी। हालांकि अभी शहर के पॉपुलेशन बढ़ चुका है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे डेवलप्ड सिटी है। नोएडा शहर दो भागों में बटा हुआ है, एक है नोएडा और दूसरा है ग्रेटर नोएडा। नोएडा शहर विश्व का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है, और इसकी रफ्तार यहाँ के डेवलपमेंट को देख कर ही पता चलता है। शहर के हर तरफ गगनचुंबी इमारतें, जिसमें कई सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी शामिल है। ये शहर एक इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे कई सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी अपना सेटअप लगाया है, जिसमें सैमसंग, HCL, IBM, Adobe जैसे मल्टीनेशनल कंपनी मौजूद है। नोएडा आगे चल के इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स भी बन सकता है, क्योंकि ये शहर दिल्ली NCR में मौजूद है। ऑलरेडी कई सारे इंडस्ट्रियल जायंट ने यहाँ पे अपना परमानेंट बेस लगाया है, और आगे चल के और भी कई सारे कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाएगा। इससे कॉमर्स और ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, इससे नोएडा शहर एक कॉमर्शियल हॉटस्पॉट बनके तैयार होगा। इससे और ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में बसने के लिए आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेगी, शहर के अंदर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड होगी, जिससे साफ पता चल रहा है कि नोएडा आगे जाकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी की ओर बहुत ही खास ध्यान दिया जा रहा है। शहर के अंदर सड़क के दो किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाया गया है, जिससे प्रकृति का अपना बैलेंस बना रहे। साफ सफाई में भी बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है, जिससे शहर क्लीन रहे। दोस्तों क्या आपको पता है, इंडिया के अंदर कोई भी शहर के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स बना हुआ है। नोएडा के अंदर सेक्टर 18 एक ऐसा जगह है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, लग्जरियस होटल, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, हाई राइज स्काईलाइन मौजूद है। नोएडा में मौजूद कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है। इसमें द ग्रेट इंडियन प्लेस, DLF मॉल, सिटी सेंटर मॉल, गार्डन गैलेरिया सबसे खास है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नोएडा के अंदर चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें मौजूद है, जिसके कारण नोएडा पूरे इंडिया में जाना जाता है, और इनमें से ऐसा ही एक गगनचुंबी इमारत है जो सुपर टेक, सुपर नोवा नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो 80 फ्लोर के है। दोस्तों क्या आपको पता है, इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल्स में कई सारे ऑफिस नोएडा में ही मौजूद है, लाइक CNN, IBN, NDTV। इसके अलावा और भी कई सारे फिल्म स्टूडियोज भी इस शहर में मौजूद है।
अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर पूरी तरीके से रैपिड मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। देश के राजधानी दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली से नोएडा की डिस्टेंस है ओनली 25 किलोमीटर, जो पूरी तरीके से मेट्रो से कवर किया हुआ है। और दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो में करीब 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। हालांकि नोएडा शहर कोई भी रेलवे लाइन से अभी तक जुड़ा नहीं है। इसके अलावा नोएडा शहर में 3-3 इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस वे मौजूद है, ईस्टर्न परिपरल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। नोएडा शहर की रोड्स काफी वाइड है और ग्रीनरी से भरा हुआ है। नोएडा शहर की करीब 50% एरिया ग्रीनरी से कवर किया हुआ है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। वंडर वाटर एंड एडवेंचर पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। गर्मियों में दिल्ली के लोगों के लिए ये जगह पहला पसंद है। आपको पता है इंडिया के F1 रेस इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में ही मौजूद है, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिंग सर्किट है। इंडिया में नोएडा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब एंड हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटी एंड कैंपस मौजूद है, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स नोएडा शहर से जुड़ा हुआ है, जो इस शहर को न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर बनाता है। तो इंडिया के फ्यूचरिस्टिक सिटी नोएडा के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट पेज जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोएडा सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। দিল্লির কাছাকাছি 25 কিলোমিটার এরকমই বললো। 25 কিলোমিটার আমার মনে হয় যে খুব বেশি দূর না, কিন্তু এটা খুব কাছাকাছি একটা শহর হচ্ছে। আর শহরটায় মনে হচ্ছে যে আধুনিকতায় ভরপুর, সবকিছুই থাকছে, সবকিছুই থাকছে মানুষের জন্য। যেটা বললো যে অনেক সিটি সেন্টার, মল, তারপরে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখানে তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস করতে যাচ্ছে। তাছাড়া যে বড় বড় কোম্পানিগুলোর কথা বললো, যে তারা যে অফিসগুলো ওখানে করবে, স্যামসাং, বিবিসিসিএন এর অফিস এখানে, শিক্ষা এনডিটিভি এখানে আছে, সবাই আসলে মনে হয় যে বড় বড় কোম্পানিগুলো সেখানে জায়গাটা নিচ্ছে, শিফট হচ্ছে। তো এটা একটা তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কিন্তু ওখানে যে রাস্তাগুলো দেখলাম, রাস্তাগুলো কিন্তু খুবই ওয়াইড। আমাদের রাস্তাগুলো ওয়াইড থাকে, আমাদের ঢাকা শহরের রাস্তা অনেক ওয়াইড, কিন্তু সেই তুলনায় ওটা আরো বেশি বড়ই মনে হয়েছে। আর তাছাড়া গাছপালা কিন্তু মানে প্রচুর পরিমাণে। দিল্লিতে যে পরিমাণ পলিউশন হচ্ছে, যেমন এখন আমরা নিউজে দেখতে পাচ্ছি, সেই হিসাবে নয়ডা সিটিতে যে পরিমাণ গাছ লাগানো আছে, আসলে পলিউশন হওয়ার সুযোগটা অনেক কম, কমে যাবে। আমার মনে হয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যই উদ্যোগটা গভর্নমেন্ট বলেছে যে 25% ওরা ইয়ে রেখেছে গাছপালা রেখেছে। তাছাড়া সিটিটাও তো তোমার হচ্ছে নদীর পাশে, তো এক পাশে নদী, এক পাশে সবুজ বনায়ন, তো দুটো মিলে আমার মনে হয় একটা চমৎকার একটা পরিবেশ পাবে বসবাসের জন্য মানুষ। তবে আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে যেটা নয়ডা সিটিকে যে মিনি জাপান বলে, আমার মনে হয় জাপান হিসেবে ওটাকে না বলে নয়ডার মতোই বলা উচিত। কারণ একটা দেশের তার নিজস্ব পরিচয় থাকে, তার আরেকটা দেশ দিয়ে পরিচয় করাটা আসলে শুনতে অকওয়ার্ড মনে হয়। সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু হয়তো বা এটা জাপানকে শ্রদ্ধা করে হোক বা তাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে এটাও হতে পারে, অথবা মানুষজনের কাছে মনে হয়েছে, অথবা মানুষের কাছে মনে হয়েছে যে জাপানের পরিবেশ যেমন এখানেও পরিবেশ তেমন, এটাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা সিটি যখন নতুন তৈরি হয়, তখন সেই সিটিটাকে তার মতো করেই তার নিজস্ব পরিচয় ডেভেলপ করা উচিত। তো যাই হোক, সেটা তাদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের সিটিটা দেখে ভালো লেগেছে, সিটির পরিবেশটা ভালো লেগেছে, সিটির ট্রান্সপোর্টেশন ভালো লেগেছে। তাছাড়া ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু আছে, সো অনেকগুলো মানুষ ওখানে শিফট হয়ে যাবে। সো মূল শহর দিল্লির হয়তো বা অনেক পপুলেশন কমে যাবে, এটা একটা ইয়ে। আর এখানে অনেক উঁচু বিল্ডিং, মানে 80-তলা একটা বিল্ডিং আছে দেখলাম, এটা অনেক উঁচু বিল্ডিং। ওখান থেকে হাই রাইজ বিল্ডিং থেকে যেমন আমরা অন্য অন্য দেশে দেখেছি জাম্প করে, তো এখানে একটা ইয়ে হলো যে এখান থেকে জায়গার জাম্প দেওয়ার মতো একটা জায়গা হলো, তো এটা অনেক ভালো লেগেছে। তো ওভারঅল আমার মনে হয় আপনাদের সবারই নয়ডা সিটি পছন্দ হবে, আর আমাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে। আর আমরা
আশা করব নতুন নতুন সিটিকে আরো রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। তো আজকে মনে হয় এই পর্যন্তই। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক দিবেন আর ভবিষ্যতে আমাদের সাথে থাকবেন, এটাই আমাদের আশা। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।